फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू एहसास हमारी चैनल। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है महुए के। ये जो फल होते हैं, इसे आप कहीं कहीं पर गुल्लू बोलते हैं, कहीं गुलैया बोलते हैं, तो इसको आज हम कैसे बनाएंगे, इस रेसिपी को ट्राई करना है। दादी नानी के समय में तो हम लोगों ने सब्जी कभी खाई होगी मम्मी डैडी ने, लेकिन आज के समय में बहुत कम इस सब्जी को लोग बनाते हैं। सो हमने सोचा कि आज यही आपको वीडियो बना के शेयर करते हैं कि आप लोग भी देखिए कैसे बनाते हैं। इसकी इस तरह की पार्ट को ऐसे छील लेते हैं, और छीलने के बाद इसका जो ये गूदा होता है ना, इस गूदे की ही सब्जी बनती है। इस छिलके को हटा देते हैं, बीजे को भी हटा देते हैं, इस तरह से कई कट कर लीजिए। फिर ये देखिए, आपको ये गूदा मिल जाता है, और इस तरह से आप इसके बीजे को इससे अलग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह के गूदे ले लिए, और इसको धुल के पानी में तेल आधी चम्मच से कम और नमक आधी चम्मच से भी कम डाल के बॉईल कर लिया है। और ध्यान रखिएगा, जब ये दबने लगे तब इसे उतार दीजिए। इसमें मैंने दो प्याज लिया है, लहसुन की 6 कलियां लहसुन की लेने के बाद मैंने जरा सा अदरक का पीस डाला है, और 2 चम्मच फुल भर के सरसों। इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक, धनिया 1.5 चम्मच और हींग थोड़ी सी। इन सबको ऐड करके मिक्सी में पीस लेते हैं, और मसाला पकने के बाद इस सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, कोई कोई को चावल का पेस्ट पसंद है कुरकुरी होने के लिए सब्जी, तो चावल का पीठा भी लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम है, इसमें हमने तेज पत्ता डाल दिया, और ये सारे मसाले ये देखिए फ्रेंड्स, ये दबने लगा है कितनी आसानी से, हमने निकाल लिया। और ये धनिया मसाला बस पक चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने हल्का सा तेल डाल दिया था इसमें, ताकि जो ये चिपके नहीं, अलग अलग से रहे। चावल का पीठा कैसे बनता है? चावल आप 6-7 घंटे पहले भिगो दीजिए, बिन के साफ करके उसके बाद जार में पीस लीजिए। अगर आपको चावल का पीठा डालने का मन है तो डालिए, वरना इस सब्जी को ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जी को हमने कढ़ाई में बहुत अच्छे से लो टू मीडियम आंच पे फ्राई कर लिया है, तो ये सब्जी तैयार है। आप इसे पराठे, रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है एहसास हमारे, और यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है एहसास हमारे। सो फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक्स, और आगे के लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।